मैं नारियल के छिलकों को बाहर फेंकने जा रहा था, तभी मेरी वाइफ ने मुझे आवाज़ लगाई कि रुकिए, आप इन्हें बाहर फेंक के क्यों आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये हमारे किस काम के हैं जो मैं इनको घर पे रखूं। तो वह बोली कि इनसे हमारे किचन की ऐसी टिप्स है जो आज मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप कभी भी इन्हें बाहर नहीं फेंकेंगे। और जो उसने मेरे को टिप बताई, मैं तो शॉक्ड रह गया। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे किचन की टिप्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ले लेने हैं कुछ नारियल के छिलके। जब भी हम नारियल लाते हैं तो अक्सर हम छिलके फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद यह टिप्स देखने के बाद आप कभी भी नारियल के छिलके नहीं फेंकेंगे। तो आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें कुछ इस तरीके से नारियल के छिलके रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, इनमें लाइटर या माचिस की मदद से एक जो नारियल की डंठल होती है वो ले लेनी है, और इसको अब हमें कुछ इस तरीके से आग लगा देनी है। अब जैसे भी अगर आपके आग नहीं पकड़े तो एक डंठल को आप थोड़ा सा घी में रख दीजिए और फिर उसको आग लगा दीजिए। फिर यह आसानी से बहुत ही जल्द ही नारियल के छिलके आग को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे यह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये देखिए हमारी पूरी कढ़ाई में आग सी लग गई है, जैसे धुआं ही धुआं हो गया हो। और इसको अब करना क्या है, जैसे ही यह एक बार बुझ जाए आपको इसमें हल्दी डाल देनी है, और फिर जो बाकी हुई बचे नारियल के छिलके हैं वो भी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको रख देने हैं। अगर आपके बाल और ज़्यादा हैं तो और आप क्या नाम नारियल के छिलके ले सकते हैं। अगर हमने नारियल के छिलके और भी डाले हैं तो एक चम्मच हल्दी तो हम और ही डाल रहे हैं, क्योंकि जितने नारियल के ज़्यादा छिलके होंगे उतनी हमें हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेता हूँ। जैसे ही है बंद होगी, बुझ जाएगी आग, तो आप देखेंगे कि इनमें एक राख सी बच के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसमें एक राख सी बच के तैयार हो गई है, और कुछ कुछ आपको जैसे कोयले टाइप में से कुछ दिख रहे हैं, लेकिन इनको पूरा ठंडा होने देना है, क्योंकि यह अभी तक पूरे जले नहीं हैं, इनको बुझने तक का वेट करना है। जैसे ही यह पूरे बुझ जाएंगे तो यह पूरी हमारी राख हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है। और अब देखिए यह हमारा भुज के एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से राख हो गई है। अब हमें इस राख को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो बचे कोयले छोटे मोटे हैं वो एकदम बिल्कुल अच्छे से बारीक पीसे जाएं। इसको ऐसा करने के बाद, पीसने के बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर वेट कीजिए, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब आप एक प्लेट ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, और उसमें छलनी की मदद से इस राख को जितना भी आपने बनाया है उस राख को छान लीजिए। अच्छे से मैंने छान लिया है। अब हमें इस राख का क्या करना है, अब मैं इसमें ऐड करूँगा एलोवेरा जेल। यह जेल आपको कहीं भी मिल सकती है, अक्सर आप घर में रखते ही होंगे, आपको पता है एलोवेरा कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसमें मैं लगभग एक चम्मच के आसपास एलोवेरा डाल दूँगा, फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अगर मुझे लगेगा इसमें कि एलोवेरा की और ज़रूरत है तो मैं और भी एलोवेरा इसमें ऐड करूँगा। पहले इतने से देख लेते हैं कि हमारा काम चलता है कि नहीं, तब तक इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। देखिए हमारा यह अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो हमें एलोवेरा जेल की और ज़रूरत है। अब मैं इसमें एक चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल और डाल देता हूँ। अभी भी नहीं हुआ तो चलिए एक चम्मच हम एलोवेरा जेल और डाल सकते हैं। धीरे धीरे डालिएगा, आपको एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है। अब इनको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें डालना है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। देखिए विटामिन ई का कैप्सूल डालने के बाद मैं भी इसको अच्छे से कर लेता हूँ मिक्स। यह हमारा अच्छे से अब मिक्स हो चुका है। अब हमें करना क्या है इसका, यह दोस्तों एक ऐसी डाई बन के तैयार हो गई है जो आपके बालों को नेचुरली एक कलर देगी, शाइन देगी, आपके बाल काले हो जाएंगे, जड़ों से मजबूत होंगे, सिल्की होंगे। अब आपको कुछ इस तरीके से इस डाई को अप्लाई कर लेना है, और लगभग दोस्तों 4 से 5 घंटे तक इसको अपने सर पे लगे रहने देना है। तो आपके बाल इतने ज़्यादा शाइन करेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, इतने सिल्की हो जाएंगे आपके बाल, स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि यह घर पे तैयार की हुई एक ऐसी रेमेडी है जो किसी भी केमिकल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, हर एक केमिकल से यह दूर है। मेरे वाइफ ने जब यह ट्राई किया तब मुझे पता चला, आप देख पा रहे हैं उसके बाल कितने काले हैं, घने हैं, सिल्की हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ऐसी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए
हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए अलविदा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।